लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने जनता के बीच में उतर कर दम भरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज महुनाग गांव में लोगों से मुलाकात की, साथ ही मंडी की जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान कंगना रनौत ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए इंडी गठबंधन को घोटालों का गठबंधन करार दिया है। आप भी सुनिए। एक तरफ तो एक घमंडिया सरकार है, एक घमंडिया जो है एक इंडी गठबंधन हुआ है, जो घोटालों का गठबंधन हुआ है, जिसमें एक से एक बढ़कर स्कैम, एक से एक बढ़कर घोटाला, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2G से लेके कोयला तक, चारा तक सब खा लिया इन लोगों ने। इतने बेशर्म, इतने शर्मनाक घोटाले इन लोगों ने करे हैं, उसका एक जहरीला मिश्रण बना हुआ है। और दूसरी तरफ निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश जो हम सबका पालन करते हैं। मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकार की बागडोर संभाली है, मेरी प्यारी बहनें जानती हैं कि हमें अब पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी वाकई में चिंता करता है। जो शादी की उम्र 18 साल से उन्होंने 21 साल कर दी, यहाँ तक कि उन्हें हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं जिनका 3 तलाक की तरह पता नहीं कितनी कुप्रथे हैं, उनका भी उन्होंने अंत किया। उसके बाद उन्होंने 33% आरक्षण दिया लोकसभा में, विधानसभा में, जिसका आप देख सकते हैं, जिसका सीधा फायदा जो है वो मुझे हुआ। आपकी बहन, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी कंगना, आज मैं आपके पास कोई हीरोइन बन के नहीं आई हूँ, मैं एक सेविका के रूप में आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम तो उनके भी सेवक हैं। तो आप सोचिए हम कितने छोटे सेवक हैं। हम सेवक के रूप में आपकी कृपा पाने के लिए आए हुए हैं, ताकि आप हमें सेवा का मौका दें और हमारे भी भाग जाके। तो उन्होंने 33% रिजर्वेशन देके मेरी जैसी महिलाओं को कितने बड़ा एक जिम्मेदारी दी है। उसके साथ में वो गर्भवती महिलाओं की भी चिंता करते हैं कि जब एक गर्भवती महिला अपने संतान को, छोटे से शिशु को घर पे छोड़ के जाएगी, तो उसकी क्या मनोदशा होगी, उसकी क्या मानसिकता, उसकी कितनी ज्यादा उसको टेंशन हो जाएगी। कहां तो पहले की सरकार 3 महीने तक की पेड लीव देती थी, 12 हफ्ते, 2.5-3 महीने तक की। अब नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अवधि बढ़ाकर 6 महीना कर दी है, 6.5 महीना, 26 हफ्तों तक आपको पेड लीव दी जाती है एक नई माता को। वो इस बात की भी चिंता करती है कि जब एक शिशु एक माता का दूध पीता है तो उसके पोषक में कितनी कमी आ जाती है, तो उसका कौन ध्यान रखता होगा। माताएं बहनें सबकी सोचती हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, किसी ने आपको कपड़े बना के दिए हैं, खाना बना के दिया है, घर साफ करके, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, 6,000 एक नई माता को देते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बेटी होती है तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि लड़की हो गई, लेकिन जब दूसरी बेटी होती है, मैं भी दूसरी बेटी हूँ, तो हमें पता है कि माता को किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसी माताओं को भी वो 6,000 रुपए की राशि देती है। वो बहुत चिंता करते हैं लड़कियों की, बहुत वो आदर करते हैं लड़कियों की। लेकिन आप घमंडी गठबंधन देखिए, वो आपसे ये कहते हैं कि एक महिला का रेट क्या है, वो महिलाओं को इस नजर से देखते हैं, जो हमारा आदर नहीं कर सकते वो हमारा कल्याण क्या करेंगे। बहनों, ये बात आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारी बच्चियों को कितनी स्कॉलरशिप दी, छात्रवृत्ति। 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को, जिनको पढ़ने की इच्छा है, जो कुछ बनना चाहती है, 85 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप दी गई है। जो महिलाएं अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उनको 85,000, उनको 30 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए गए हैं। जो महिलाएं अपने चूल्हों में आंखें फूट रही थी, आंसू निकलते थे, सारा दिन लगी रहती थी, पहले लकड़ियां इकट्ठा करेंगी, फिर लकड़ियां आने का वेट करेंगी, उनकी भी उनको चिंता है। सबसे पहले आकर उन्होंने उज्ज्वला योजना से जो है वो सारे के सारे पुराने चूल्हे हटाकर नए गैस कनेक्शन दिए 10 करोड़ महिलाओं को। हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सबके लिए खड़ी रहती हैं, हमेशा तत्पर रहती है, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो। वो सास ससुर के घर में आकर भी माता की चिंता करती है, लेकिन उनकी चिंता कोई नहीं करता।
हम जब पैदा होती हैं लड़कियां तो कहते हैं ये पराया धन है, लेकिन जब हम अपने पति के घर में होते हैं, चाहे सास ससुर के घर में क्यों ना हो, छोटे से छोटा मन मुटाव होता है तो लड़कियों को कह दिया जाता है तू निकल जाए इस घर से। इस बात का भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की उसमें अधिकतर घर उन्होंने महिलाओं के नाम किए, 3 से 4 करोड़ घर उन्होंने महिलाओं के नाम किए। तो बहनों आपने ये बात कतई नहीं भूलनी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ उन्होंने राम का मंदिर ही स्थापित नहीं किया है, उन्होंने इस देश में राम का चरित्र स्थापित किया है। तो उनमें जो गुण है त्याग समर्पण निष्ठा करुणा क्षमा, जितना जितना गंभीर और जितना विशालकाय श्री राम का चरित्र है, हम ये भी कह सकते हैं कि उससे प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री भी सदा ही राम की भक्ति का, राम के अंश का एक प्रतीक है। तो दोस्तों ये महान जो हमारे यशस्वी नेता हैं, जिनका जो यश और कीर्ति है ना कि सिर्फ इस देश में, न जाने कितने देशों में, समस्त विश्व में है। आज उन्होंने जब अपना एक फेस चुना है, आप जानते हैं कि ये लोकसभा के चुनाव हैं, हम एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, तो उन्होंने जब इस क्षेत्र से एक नाम चुना कि ये मेरा चेहरा होगा, ये मेरे आप इसे वोट देंगे तो मुझ तक पहुंचेगा, तो उसमें उन्होंने आपकी बेटी, आपकी मंडी की बेटी को चुना। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब हमें जो उन्होंने यहाँ पे एक फूल खिलाया है, हमें कमल का फूल खिलाना है और उनकी झोली में डालना है, और हमें उनके जो 400 पार का ये जो उनका एक संकल्प है उसमें हमें अपना भी कमल का फूल डालना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।